आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो तो आ, अभी करंटली एम फोर्टीन फोर्टीन ईयर्स जी आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के मतलब चालीस पचास साल के थर्टी ईयर्स के आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई जब मैं पाँच साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था फिर ऐसे ही था कि मैंने दस पंद्रह दिन में ही मतलब लग, लिखना पढ़ना लाइक ऑल द एंड एवरीथिंग आई लर्न देम तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है तो आ, मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गाँव में तो वहाँ पर मैं पढ़ता था कहाँ के रहने वाले वा? मैं करनाल अच्छा। जी तो वहाँ पर एक जैसे हॉलीडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है एटलस होता है अगर जिन जिनको अच्छा लगता है आप वो करके आना आप मतलब उसे समझ के आना तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ तो पहले दिन मैंने देखा तो आई गॉट इन टू इट एंड आई लर्ट इट मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया एंड विद इन ट्वेंटी डेज इज समथिंग आई गॉट यूज टू इट और uh, मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा एंड uh, जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया और तब से मतलब ये है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ भी नई चीज़ मिलती है लाइक करेंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इलेवंथ ग्रेड बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रो एंड क्वांटम मैकेनिक्स दो आएम नॉट वेरी इन बट आई लाइक टू स्टडी इट एंड uh, जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज देखने का प्रयास करता हूँ और कोई uh, नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जितने भी ज्यादा क्वेरीज जितने uh, भी ज्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड और वैसे ही सारी चीजें आसान होती रहती हैं आई ट्राई टू ड्वेल्व माई सेल्फ डिपेंड टूट क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का आई थिंक दैट द नीड वन थिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैट इज़ क्वेश्चनिंग क्योंकि जितने ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चनस नए ढूंढ रहा हूँ जवाब उनके मिल ही जाएंगे बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चन मेरे पास आते गए और आते हैं उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है जी सर तो उसको आपने स्टडी किया होगा हाँ जैसे कि वेव पार्टिकल थ्योरी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर वो सब हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रो जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और जैसे कि डार्क मैटर है डार्क एनर्जी है तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सपैंड यूनिवर्स ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रीक करती हैं और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ तो जीरो पॉइंट फील्ड के बारे में भी आपने कुछ स्टडी करी है नहीं अभी ज्यादा नहीं अभी मैं जनरली uh, जैसे अभी मैं टाइप आई टाइप वन ए सुपरनोवा और उनके जो एक्सपेंशन है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार उनके बारे में अभी मेरी रीसेंट स्टडी चल रही है मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज़ एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक-एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे तो ऐसा भी भी है, तो है कि नॉलेज एंडलेस है और सब सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता लेकिन ये है कि जितना ज्यादा मतलब अपने को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज्यादा क्या है जितना ज्यादा नॉलेज ग्रेन करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी चीज वो आपको आती रहती है और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नई भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी तो कोई भी चीज़ आई ऑलवेज लाइक टू आई एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चन क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड एक नया परस्पेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है एक्सिलेंट जी तो अब एक काम करते हैं आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का

जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट थर्टीन पॉइंट नाइन बिलियन ईयर्स है और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थी है यूनिवर्स के जो मोस्टली एक्सेप्टेड है दैट इज ऑफ एक्सपैंड यूनिवर्स अभी के हिसाब से खबल कॉन्स्टेंट होता है दैट इज 65 फाइव मेगा तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज एच टाइम्स डी तो वही 13.9 पॉइंट नाइन बिलियन टाइम्स लाइट ईयर तो इतना अभी हमारे एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है क्या आप भूलते नहीं है चीजों को या भूलते हैं कब रिवाइज करते हैं हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है अगले हफ्ते भूल जाते हैं आपके साथ ऐसा भूल जाते हैं एक्चुअली ऐसे ही होता है है सार्थ? ना यस yes, सर अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं उसे समझ जाते हैं तो उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते सर पूछ रहे थे बोल रहे थे ना कि मैं मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है इनका मतलब सबसे पहले किसके किसने बताया था इनके बारे में तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी तो नाइन्थ क्लास के एनसीआर टी में मिल जाता है <laughs> <laughs> तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे जे थॉमसन ने करी थी और प्रोटोन जो मिला था वो राधाफोड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था और चैडविक ने मतलब जेम्स चैडविक ने जो बेरिलियम की मतलब जो सोर्स से डीके को स्टडी किया था उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कुछ अच्छा पूछो पूछो अच्छे <laughs> <कोईसेस> <laughs> <पूछें>। <laughs> क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन आप जितने सेलिब्रिटी से मिलते हो तो आप इतने जो मिलने से पहले जो बात करने का जो होता है नर्वसनेस इसको कैसे दूर करें आप जैसे संदीप सर से बात कर रहे हो और बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी से मिले हो तो आप किस तरह से इतना एक्सपीरियंसली आप बात कर लेते हो किसी से देखिए जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बताओ और फटाफट अगर कुछ गलत बताया जाए तो थप्पड़ मारेंगे ऐसा तो होगा नहीं ना मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे कुछ अच्छा नई चीज़ शेयर करेंगे तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें और जहाँ पर भी आप मतलब अपने से आप सच जो है वो एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं कहीं से सच बोल रहा हूँ तो थिंग्स वुड गेट ईजी और मेक इट इजी इन योर ब्रेन और uh, हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हैं ट्रूथफुल रहते हैं तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड और ये बस चला जाता है जस्ट मिराज तो बस संदीप सर है आज है आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी से आज कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए और फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका कैसे पता लगता है कि वो कब लगेगा और किस टाइम में लगेगा या कितना उसका कैसे पता लगता है ये तो पता है कि वो क्यों लगता है बट इसका कैसे पता लगता है कि अब लगेगा या कैसे उसका क्या होता है तो आ, ये जो टेक्नोलॉजी थी एस्टिट करने की कि कब सोलर लूनर या कोई भी सेलेस्टियल मूवमेंट होगी ये तो आज से मतलब कई हज़ार साल पहले ही याड्यूस हो चुकी थी और इसका रीजन यही है कि ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं एक पैरलैक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि उससे हम मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज का और उससे ही हम डेड्यूस कर सकते हैं कि कितना कि रेडियस है कि एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है फिर आपको फिर कैपलर्स लॉ लगा के सेमी मेजर वगैरह निकाल के तो उससे हम उसका डिस्टेंस यूज कर सकते हैं और फिर टाइम पीरियड से हम वी कैन एक्चुअली डिड्यूस इट और एक नई चीज़ लूनर वगैरह के बारे में ये है कि जैसे जैसे आजकल क्या है जो ड्यू टू टाइडल फोर्सेज मून हमसे हर साल तीन सेंटीमीटर दूर जा रहा है तो बहुत हजारों सालों बाद ऐसा होगा कि सन तो उतना ही रहेगा लेकिन चांद जो वो छोटा हो जाएगा तो उसके बाद मतलब एक्लिप्स जो होगी वो जिसे आजकल टोटल होती है उतनी नहीं होगी तो ये एस्टिमेशन इट इज डन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जो हजारों सालों तक ऑब्जर्वेशन से ही चला और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे कैपलर गैलेली आर्यभट्ट जितने भी बड़े लोग थे जो पुराने ज़माने के वे सभी ऑब्ज़र्व करते थे उनकी ऑब्जर्वेटरीज होती थी कि कैसे कैसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं ये इंटरैक्ट है, uh, कर रही हैं कैसे कैसे ट्रैवल कर रही हैं इनमें क्या चेंजेस हैं और उन्हीं सभी चेंजेस को एस्टिमेट करके उन सभी को देख के आज हमने मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को डिड्यूस किया है कि जिससे हम कर सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं उनका टाइम पीरियड उनका डिस्टेंस और कैसे वे एक्ट करेंगे Excellent जी, बिग राउंड ऑफ मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं तो आपका इस पे क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका IQ का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी से. और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं आपके फादर हा, हा, है है आप आए है मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा एक बार उनको माइक दीजिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीजों को याद रखते हैं किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं क्या आप भी इसी तरीके से चीज़ों को याद रख पाते हैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया और जो आपके आज दीदार हुए हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुनी शख्सियत ऐसे जिनसे नहीं मिल पाए उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे और जैसे ही कोटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने you. के लिए थैंक यू मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे कोटिल्य भी इंटेलिजेंट है और हम बीच की पीढ़ी हैं थोड़ा सा मैं कुछ कम ये दोनों दादा ज़्यादा <laughs> <ना? laughs> बहुत ऐसे बच्चे जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे को लगता है जिनकी बात करने के ढंग से जो इतने ज्यादा आपको आपने छोटे बच्चे को देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की